हेलो स्टूडेंट। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। देखो 5315 यहाँ पे आया है कि लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप विद आइडेंटिटी ई एंड लेट ए बिलोंग्स टू जी, शो दैट देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए रेस टू एन इज इक्वल टू ई। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, देखते हैं अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इट्स क्वाइट सिंपल, 2 मार्क्स के लिए आया था। अगर यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, एक तो ये जो ग्रुप है फाइनाइट ग्रुप वो तो ई के इक्वल होगा, मतलब उसके सारे एलिमेंट ई के इक्वल होंगे, नहीं तो ई के इक्वल नहीं होंगे। सो इफ ए इज इक्वल टू ई देन रिजल्ट इज ट्राइवल, रिजल्ट इज ट्राइवल। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू ई रही, तो क्या ई ई रेस टू एनीथिंग इज ई, ठीक है, जैसे 1 रेस टू एनीथिंग 1 होता है वैसे ई रेस टू एनीथिंग इज ई। सो ई इज इक्वल टू ई इफ ए नॉट इक्वल टू ई, सिंस ग्रुप इज फाइनाइट, ग्रुप इज फाइनाइट, देन ए रेस टू एन कैन नॉट बी डिस्टिंक्ट एलिमेंट फॉर एवरी एन। मतलब क्या? देखो जब भी ना फाइनाइट ग्रुप की बात आती है तो जो ए रेस टू एन होता है, मतलब बहुत सारे जो एलिमेंट होते हैं ना उनकी आइडेंटिटी सेम आती है। मैं एग्जाम्पल दे के अगर बताऊँ, देखो लेट से जेड फोर है, ठीक है, इट जस्ट एग्जाम्पल, लेट से जेड फोर है, ठीक है, जेड पे जेड के अंदर आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो, एडिशन है ना, एडिटिव आइडेंटिटी। अगर मैं यहाँ पे मुझे जीरो लाना है तो मैं क्या करूंगा, वन, वन की आइडेंटिटी क्या आएगी, वन की आइडेंटिटी क्या आएगी, देखो अगर मैं उसको 4 बार ऐड करूँ, 1 प्लस 1 प्लस 1, देन एंड देन आई गेट जीरो, ठीक है। मतलब मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा 1 रेस टू 4, अगर लिखा मतलब 1 को 4 बार ऐड किया, इन शॉर्ट लाइक या 4 बार ऐड किया तब जाके मुझे आइडेंटिटी क्या मिली, ई, या यू कैन से जीरो, क्योंकि 4 इज 0 ना जेड फोर में। जैसे देखो अगर मैंने 9 लिखा है तो जेड फोर में वो क्या होगा, ये ऑब्वियस, 4 से डिवाइड करो, जितना रिमाइंडर बचता है उतना लिखो, इट विल बी 1, ठीक है। अब नाउ 2 है तो 2 को मुझे अगर 0 कराना है तो मुझे उसको 4 के टेबल में लाना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या आएगा, 2 प्लस 2 0। देखो मतलब क्या, यहाँ पे हमने इन शॉर्ट 1 रेस टू 4, या यू कैन से, हाँ यू कैन से 4 रेस टू 1, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। देखो दोनों का आंसर तो सेम ही आ रहा है, इसका भी ई इसका भी, बट पावर अलग है। दैट्स वाई अगर ग्रुप फाइनाइट है, जेड फोर तो फाइनाइट होता है ना, जेड फोर के अंदर क्या आता है, रिमाइंडर 0 1 2 3। जेड फोर मतलब क्या, जेड एन मतलब क्या, इन शॉर्ट कि उसके रिमाइंडर लिखना है, कि उससे अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आता है, पहले तो 0 आएगा जब 4 के टेबल में हो, बाद में 1 2 3 4 कभी नहीं आता, ठीक है, याद रखना। सो यहाँ पे देखो कितने आए, ये तो फाइनाइट ग्रुप है ना, तो फाइनाइट ग्रुप में आइडेंटिटी मतलब वो नंबर ज्यादा क्या कहते हैं उसे, बच के नहीं रह सकता, वो डिस्टिंक्ट नहीं होता, ठीक है। सो लेट पहले इसमें निपटा देता हूँ, ठीक है। हाँ सो देयर एग्जिस्ट M1 M2 बिलोंग्स टू जेड प्लस सच दैट मत लिखो, वेयर बोथ आर नॉट इक्वल, वेयर M1 नॉट इक्वल टू M2, ठीक है, सच दैट ए रेस टू M1 इज इक्वल टू ए रेस टू M2, जैसे हमने देखा अभी, ठीक है, ए रेस टू M1 ए रेस टू M2 विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। यहाँ पे देखो हम ऐसे कंसिडर करते कि M1 M2 से बड़ा है, तो मुझे बताओ ये M2 प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस। सो M1 M2 ग्रेटर देन 0, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो वह कहाँ पे बिलोंग करेगा, M1 माइनस M2 जेड प्लस में, जेड प्लस, ठीक है, देयर फोर ए रेस टू M1 माइनस M2 इज इक्वल टू ई। देखो आ गया,
ए रेस टू एम वन माइनस एम टू इज इक्वल टू ए। अब ए रेस एम वन माइनस एम टू को मैं एन बोल देता हूँ, सो ए रेस टू एन इज इक्वल टू ई। काफी सिंपल था, मतलब हमें बस इतना ही दिखाना था कि अगर ग्रुप फाइनाइट है तो वहां पे एक इंटीजर एग्जिस्ट होगा सच दैट ए रेस टू एन इज इक्वल टू ई। मतलब देखो, एक अभी तक अपना पूरा स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है, तो यहाँ पे काफी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया यूनिवर्सिटी ने। ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता, नहीं तो पहले एक सब ग्रुप एंड देन ग्रुप आता था, ठीक है, तो जाके बेटर समझता था। सो वेट फॉर सेकेंड चैप्टर, सेकेंड चैप्टर होने के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा कि ग्रुप क्या होता है। ऑर्डर भी पढ़ाई नहीं मैंने अभी तक, ग्रुप की ऑर्डर क्या होती है। जब आप ऑर्डर वगैरह कर लोगे तब जाके ये क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अभी करने ही नहीं है, अभी करके रखो, बाद में जाके उसे हमें टैकल करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉब्लम कोर्स, कि यहाँ पे बोला गया है डिटरमाइन वेदर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन ऑन जेड बाय लेटिंग ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इज कम्यूटेटिव, इज इट एसोसिएटिव। अब देखो ये तो कॉमन सेंस की बात है, कम्यूटेटिव होगा क्या? सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव होती है क्या? लेट्स सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कम्यूटेटिव, बिफोर दैट आपको सबसे पहले गिवन लिखना पड़ेगा, गिवन दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, सो ए बी बिलोंग्स टू जेड, ओके, लेट ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अगर यहां से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो इट विल बिकम बी माइनस ए, कम्यूटेटिव ऐसे होता है ना, सो इट विल बिकम नेगेटिव ऑफ बी स्टार ए। क्या ये कम्यूटेटिव है? नहीं, कम्यूटेटिव में क्या होता है कि दोनों सेम आते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, हेंस हेंस स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, सेकेंड वन असोसिएटिव, देखो ए स्टार बी स्टार सी क्या हो जाएगा, हमें दिखाना है ए स्टार बी एंड देन स्टार सी। अब यहां पे सिंपल थिंग है, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, क्या हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी कितना हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी। देखो सबसे पहली बात ए माइनस बी है ना, ठीक है, देखो ए स्टार बी स्टार सी, अगर मैं इसको ए पकड़ू इसे बी पकड़ू तो ए माइनस बी क्या होगा स्टूडेंट, इट विल बिकम ए माइनस बी, या बिफोर दैट इट विल बिकम लाइक दैट बी माइनस सी। अगर ये भी नहीं समझा तो सबसे पहली बात बी स्टार सी, बी स्टार सी क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल बी माइनस सी ना, क्योंकि ए स्टार बी इज ए माइनस बी, तो बी स्टार सी इज बी माइनस सी। अब स्टार मतलब क्या, सब्ट्रैक्शन है ना, तो यहां पे आएगा ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, अगर आप इसको ओपन कर दो तो ए माइनस बी प्लस सी। अब उल्टा ले लो, ए स्टार बी स्टार सी, अब ए स्टार बी तो बाय डिफॉल्ट दिया ए माइनस बी, उसके साथ अगर मैं स्टार सी कर दूं तो स्टार इज नथिंग बट सब्ट्रैक्शन, तो ए माइनस बी माइनस सी, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, हेंस स्टार इज नॉट, हेंस स्टार इज नॉट असोसिएटिव। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 5422, अटेम्प्ट एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग, अब ए स्टार बी ए बी प्लस वन डिटरमाइन इज इट बाइनरी ऑपरेशन और नॉट। अरे काफी इजी है बाइनरी ऑपरेशन, बस असोसिएटिव है या नहीं ये आपको चेक करना है। ठीक है, इसका आंसर तो नहीं आएगा, बिकॉज अगर किसी के अंदर प्लस आ गया तो वो होता नहीं, ये बाय डिफॉल्ट है। लेट ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस वन, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू क्यू। नाउ यहां पे ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी का आंसर क्या है, ए बी प्लस वन स्टार सी। अब इसे ए पकड़ो इसे बी पकड़ो तो क्या हो जाएगा, ए बी ना, ए बी मतलब क्या, सो इट विल बिकम ए बी मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा, सी को अंदर मल्टीप्लाई करो, ए बी सी प्लस सी प्लस वन। अब ए को बाहर रखो बी स्टार सी, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए बी स्टार सी मतलब क्या, बी सी प्लस वन, ठीक है, अभी ये ए ये बी, तो ए बी
प्लस वन, तो इट विल बिकम ए बी सी प्लस ए प्लस वन। अब देखो क्या ये दोनों सेम है, नहीं, हेंस नॉट कम्यूटेटिव, नॉट सॉरी नॉट एसोसिएटिव। दो दो मार्क को सिंपल सिंपल सम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वन 5422 प्रॉब्लम कोर्स, देखो शो दैट इफ ए स्टार बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर स्टार बी स्क्वायर देन जी इज एबेलियन। ये हमने लेटेस्ट सॉल्व किया है, तो प्लीज पहले का वीडियो देख लो, उसके अंदर इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। देन नेक्स्ट वन 5115, लेट स्टार बी ऑपरेशन देन शो, ओ सॉरी ये वाला, आई एम सॉरी ये वाला, देखो ये वाला तो हमने किया है एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स, देखो उसके अंदर ये मिल जाएगा। आइसोमॉर्फिक है या नहीं, बस आपको इतना दिखाना है। कोई तो एक फंक्शन डिफाइन कर लो प्रोडक्ट पे और इसे सॉल्व करो। अब देखो ये जो सेकंड वाला है, इसका एज इट इज प्रूफ आपको बुक में दिया है, आपको बस उसे लर्न करना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक बार ये आया था, ये प्रीवियस सिलेबस का है ना, क्या पता, लेकिन आ गया तो आ गया, दैट्स वाई ये रट्टा मार लो। देन नेक्स्ट वन इज अ प्रॉब्लम कोर्स, यहाँ पे देखो 2 मार्क 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ये ए प्लस बी माइनस ए बी इज ए ग्रुप, डिटरमाइन वेदर इज ए ग्रुप और नॉट। हमें बस देखना है वो ग्रुप है या नहीं, ठीक है। सो लेट सॉल्व। सबसे पहले बात जो गिवन दिया है वो लिख लो, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड, अब जेड स्टार ग्रुप है या नहीं चेक करना है। सबसे पहली बात आती है क्लोजर की, क्लोजर नहीं एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। देखो एसोसिएटिव में क्या होता है कि हमें दिखाना होता है कि लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो सबसे पहली बात ए स्टार बी स्टार सी से शुरुआत करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं एल एच एस प्रूव करूंगा, बिकॉज अगर वो समझा तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। ए स्टार बी स्टार सी, अब ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी। अब इसको पकड़ना है हमें स्टार के साथ, सी के साथ, ठीक है। अब देखो पहली बात ऑपरेशन कैसे डिफाइन हो रहा है, दोनों के एडिशन माइनस दोनों का प्रोडक्ट। अब देखो ये पूरा ए बन गया, ये पूरा बी बन गया, तो क्या हो जाएगा, दोनों की एडिशन एंड देन प्रोडक्ट। सो इट विल बिकम, सबसे पहले मैं दोनों की एडिशन कर लेता हूँ, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी एंड देन दोनों का प्रोडक्ट। सो सी इंटू ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी, ठीक है। अब जरा रिवर्स ऑर्डर में भी घूम जाते हैं कि लाइक दैट ए, अरे ए स्टार बी स्टार सी, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले दोनों के एडिशन माइनस प्रोडक्ट, ठीक है, एंड देन अगेन दोनों के एडिशन माइनस प्रोडक्ट, ऐसे चलेगा ना, दोनों के एडिशन माइनस प्रोडक्ट। सो ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए बी, ले लो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी। ओ तेरी कुछ तो झोल हो गया क्या, ओ यहाँ पे बी सी आएगा आंसर, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ अब ठीक ठाक है, यहाँ पे बी सी आएगा, यहाँ पे माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। अब हमें बस यही चेक करना है ये दोनों इक्वल है या नहीं। देखो ए बी प्लस सी, ए बी सी यहाँ पे है, माइनस ए बी है, माइनस ए सी है, माइनस बी सी ए बी सी, ए बी सी है, ठीक है। तो बोथ आर सेम, दैट्स वाई इट्स ए कम्यूटेटिव, ठीक है, सॉरी एसोसिएटिव। नाउ वी हैव टू चेक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड देर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू ए, मतलब वही एलिमेंट आना चाहिए। अब यहाँ पे ए स्टार बी हमें क्या चाहिए, ए,
तो इसके डेफिनेशन क्या दी थी, ए प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू ए, ए ए बोथ गेट कैंसल, सो अगर मैं यहां से बी कॉमन ले लूं तो वन माइनस ए इक्वल टू जीरो, ठीक है, सो वन माइनस ए वहां भेज दो, सो इट विल बिकम बी इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो इज एन आइडेंटिटी। क्या ये सही है, जस्ट चेक कर लो, ए प्लस बी माइनस ए बी का आंसर हमें ए चाहिए, अगर बी की वैल्यू जीरो है तो ये उड़ जाएगा, सो आर आइडेंटिटी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट वन इनवर्स, इनवर्स एक बार चेक कर लो, इनवर्स के डेफिनेशन थी फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड देर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या आई, जीरो, ठीक है, आइडेंटिटी क्या आई, जीरो, देयरफॉर ए स्टार, यहाँ पे ई लिखना डेफिनेशन में, ए स्टार बी इज इक्वल टू हमें चाहिए जीरो, सो ए प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, सो इसकी आइडेंटिटी देखो इट्स वेरी कॉमन, ये सारा प्लस वो आ जाके माइनस हो जाएगा, सो माइनस ऑफ ए प्लस बी माइनस ए बी इट विल बिकम आइडेंटिटी, सॉरी इज इन इनवर्स, इज इनवर्स, अगर इनवर्स भी आ रहा है, देखो अगर इनवर्स आ रहा है तो देखो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी, हेंस जेड स्टार इज ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट वन 5215, इज द सेट ई रेस टू एक्स क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। अब देखो क्लोज मतलब क्या, अगर देखो क्लोज मतलब क्या, अगर मैं जेड जेड प्लस ये ग्रुप है क्या, ये मुझे देखना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, इसके अंदर से कोई भी दो एलिमेंट उठा लूंगा, थ्री और टू, तो थ्री प्लस टू की एडिशन फाइव, वो भी जेड में जा रही, अगर ऐसा हो तो उसे कहते हैं क्लोज, ठीक है, मतलब जो भी करो उसके अंदर जा रहा है, ठीक है। नाउ यहां पे लेट एच इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, अब लेट ए इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स बी इज इक्वल टू ई रेस टू वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, हमें क्या दिखाना है कि इज इट क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन, सो ए इंटू बी इज नथिंग बट ई रेस टू एक्स ई रेस टू वाई, सो ई रेस टू एक्स प्लस वाई, अब मुझे बताओ अगर एक्स और वाई जेड में जा रहे तो एक्स प्लस वाई भी कहाँ जाएंगे, जेड में, हेंस बिलोंग्स टू जेड, हेंस एच इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन 4817 ग्रुप थ्योरी, देखो जस्ट आर बाइनरी स्ट्रक्चर क्यू प्लस एंड जेड प्लस आर आइसोमॉर्फिक अंडर एडिशन, ये हमने किया है, देन लेट स्टार बी एनी ऑपरेशन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई टू, देन शो शो दैट क्यू प्लस स्टार इज एन एबिलियन ग्रुप, हमें ये दिखाना है, ठीक है। मैं सीधा वो सी वाला ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बिकॉज वो वाला तो हमने कर चुके हैं, लेट ए स्टार बी कैसे डिफाइन किया है, ए बी बाय टू, ठीक है, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस देन ए स्टार बी ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू प्लस, हाँ तो ए स्टार बी क्या आएगा, ए बी बाई टू, देखो ए बिलोंग्स टू क्यू बी बिलोंग्स टू क्यू देन इसका प्रोडक्ट भी कहा जाएगा क्यू के अंदर, हेंस बिलोंग्स टू क्यू प्लस, ठीक है। सेकेंड एसोसिएटिव, ठीक है, अब देखो ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, ठीक है, तो सबसे पहले ए स्टार बी स्टार सी, पहले हम ये निकालेंगे, ठीक है, इसका आंसर क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। अब हमें ये दिखाना है सिंपल, सबसे पहले ए स्टार बी क्या दिया है, ए बी बाय टू, तो ए बी बाय टू स्टार सी मतलब क्या है, देखो प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया है, दोनों का प्रोडक्ट लिया डिवाइड बाय टू किया, ठीक है, तो इट विल बिकम, अगर ये ए रहा ये बी रहा तो क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय टू, सो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, ए बी सी डिवाइड बाय टू, दैट इज ये पहले से टू था फोर हो गया। नाउ हमें दिखाना है ए स्टार बी स्टार सी, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी स्टार सी मतलब बी सी बाई टू, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई टू, और ए स्टार ये दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय टू,
दैट इज फोर, ये दोनों सेम है, यस, हेंस स्टार इज एसोसिएटिव. ठीक है, थर्ड वन कॉम्यूटेटिव. कॉम्यूटेटिव काफी इजी, मतलब वो तो छोटे बच्चे भी कर लेंगे. देखो ए स्टार बी क्या दिया है हमें, ए बी बाय टू. अब प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो बी इंटू ए भी लिख सकता हूं मैं, बी अपॉन बी इंटू ए अपॉन टू. अगर बी पहले आया तो इट विल बिकम बी स्टार सी, हेंस स्टार इज कम्यूटेटिव. एक बात ध्यान में रखना, मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव. टू इंटू थ्री इज इक्वल टू थ्री इंटू टू इन रियल नंबर ओनली. ठीक है, नाउ अब हमें दिखाना है आइडेंटिटी. फोर्थ वन आइडेंटिटी. आइडेंटिटी इज वेरी सिंपल. डेफिनेशन क्या है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू ए. अब देखो यहां पे ए स्टार बी इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए स्टार बी क्या दिया है, ए बी बाय टू इज इक्वल टू ए. सो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू. देखो ए ए कट, सो टू मल्टीप्लाइड वहां जाके डिवाइड हो जाएगा. सो इज एन आइडेंटिटी, इज एन आइडेंटिटी. फिफ्थ वन लास्ट वन इनवर्स. इनवर्स की डेफिनेशन, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस देर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी. अब देखो यहां पे इंप्लाइज ए स्टार बी, आइडेंटिटी क्या आई, टू. सो ए स्टार बी क्या है, ए बी बाई टू, टू. सो आंसर क्या आएगा, इट्स वेरी सिंपल. हमें ए की वैल्यू चाहिए ना, ओ सॉरी बी की वैल्यू चाहिए. सो बी इज इक्वल टू फोर अपॉन ए इज एन आइडेंटिटी, इज एन आइडेंटिटी, ओ सॉरी इज एन इनवर्स. देखो इनवर्स भी आ रहा है, क्यू मतलब रैशनल ना, इनवर्स भी आ रहा है. ठीक है, आइडेंटिटी भी आ रही है, कॉम्पिटिटिव भी हो रहा है, एसोसिएटिव भी है. दैट्स व्हाई स्टार इज एन एबेलियन ग्रुप, याद रखना. ठीक है, नेक्स्ट वन ये हमने अभी किया, पीछे चला गया क्या मैं, ओके. एंड दिस इज अ प्रॉब्लम कोर्स, इधर है. ठीक है, ये प्रॉब्लम कोर्स का प्रॉब्लम है एक्चुअली. सो ये वाला देखो, ए स्टार बी इज ए प्लस बी माइनस ए बी, तो हमें दिखाना है इज इट एबेलियन. तो इसको मैंने यहाँ पे शो करके दिखा दिया है. सो जस्ट पॉज द स्क्रीन एंड टेक अ स्क्रीनशॉट, ये काफी इजी है. ठीक है, नाउ 5017 आर द ग्रुप आइसोमॉर्फिक, ये भी आपको करना पड़ेगा एज अ होमवर्क. देन यहाँ पे शो करना है कि क्यू प्लस एंड आर प्लस आर नॉट आइसोमॉर्फिक, ये हमने किया है. ठीक है, बस इसका देखो, इसको हमने सॉल्व किया ए रेस टू एन इज इक्वल टू ई. तो आपको बस देखना है कि जरा देखो कि ए एन को हम टू कैसे प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, ये थोड़ा लॉजिकल है, इसका लॉजिक सोचो. अगर नहीं आया तो अपने ग्रुप पे इसका स्क्रीनशॉट डाल देना, मैं अपने आप आंसर यहां से दे दूंगा. ठीक है, एंड आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज देयर, नहीं सेकंड ना. तो यहाँ पे देखो जेड प्लस एंड क्यू प्लस आर आइसोमॉर्फिक, ये है या नहीं, देखो ये हमने भी सॉल्व किया है ऑलरेडी एक्सरसाइज के अंदर, प्लीज चेक इट. देन देखो अगेन सेम सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, क्यू प्लस आर प्लस आइसोमॉर्फिक है या नहीं, तो जरा देख लिया करो कि वो है क्या नहीं. नाउ शो दैट सी प्लस एंड आर डॉट आर नॉट आइसोमॉर्फिक, ये हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किया है, तो यहाँ पे सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता. ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट वन. अगेन देखो अभी जो मैंने एक बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन, ओ क्या कहते उसे, सॉल्व एग्जाम्पल दिखाया था. देखो लेट मी शो यू, हाँ ये वाला. ठीक है, बस यहाँ पे ए प्लस बी माइनस ए बी है, और यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी. ठीक है, ए प्लस बी प्लस ए बी, तो आपको दिखाना है कि ए स्टार इज ए ग्रुप. तो आई थिंक आई डोंट थिंक सो कि ये आपके लिए हार्ड होगा. चार पांच एग्जांपल है आइसोमॉर्फिक पे, वो आप कर लीजिए. ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे. नाउ वी विल मीट ऑन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन.